हेलो स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट फ्लोज इन लिम्फ वेसल। अब ये कलरलेस फ्लूइड क्या है? एक्चुअल में जब ब्लड कैपिलरीज में ब्लड जाता है तो ब्लड प्रेशर की वजह से वो ब्लड फिल्टर हो जाता है। तो जब फिल्टर हो जाएगा, दैट फिल्टर ब्लड इज लिम्फ। इट इज़ कलरलेस ट्रांसल्यूसेंट एल्केलाइन फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ WBC दैट शोज इम्यूनो रिस्पॉन्स, दैट इज रिलेटेड टू इम्यूनो रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स मेक देयर नंबर, या हम कहेंगे इंक्रीज देयर नंबर एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। सो वी कैन से लिम्फ इज कंटेनिंग लिम्फोसाइट और WBC इन हायर नंबर। इट इज़ रिलेटेड टू इम्यूनो रिस्पॉन्स। कलरलेस फ्लूइड है, वाई? बिकॉज इट डजेंट हैव RBC, इवन इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होते। इट कंटेन्स ओनली WBC। अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो हैविंग WBC ओनली। इट इज़ कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एट्सेट्रा। यानी ये टिश्यू और ब्लड के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करती है। यानी ब्लड है वो कैपिलरीज में आया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होते ही उसको क्या बोला, लिम्फ। लिम्फ यानी ब्लड से वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हुए, टिश्यू को। और टिश्यू ने क्या किया, जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो लिए और ब्लड कैपिलरीज में मिक्स किए। तो इट एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अगर ब्लड में से एक्चुअल में क्या कर दें, WBC और प्लेटलेट्स को रिमूव कर दें तो क्या रह जाएगा, लिम्फ। इट इज़ हैविंग, यानी लिम्फ इज हैविंग हायर प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस देन प्लाज्मा। एक्चुअल में प्लाज्मा भी हम कहते हैं कलरलेस फ्लूइड होता है, बट कलर उसमें से तो ऑल ब्लड सेल्स जो हैं उनको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, ओनली प्लेटलेट्स एंड RBCs नहीं है, WBC प्रेजेंट है। और ये कैरियर का काम कर रही है फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स। यानी ब्लड और टिश्यू के बीच में एक ब्रिज का वर्क हो रहा है। अब लिम्फ जो होता है वो फ्लोस करता है लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल्स भी एक थिन ट्यूब होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में स्मूथ मसल्स होती हैं विच इज़ इनवॉलेंट्री इन एक्शन। इनवॉलेंट्री मीन्स दैट इज़ नॉट आर इन आर कंट्रोल। तो स्मूथ मसल में इसमें ये फ्लो करता है। अब लिम्फ, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड, दे मेक अ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, देखिए लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जो हम कहेंगे कि लिम्फ वेसल्स के बीच में ही ग्रुप ऑफ सेल्स इस तरह से ये फॉर्म हो जाता है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारे हेड में, बिलो द शोल्डर, और हमारी ये जो टॉन्सिल होते हैं, थ्रोट जो होते हैं, टॉन्सिल भी क्या हैं, लिम्फ नोड्स हैं। तो ये इनमें क्या होता है, लिम्फ नोड्स में लिम्फ तो होता ही है, और लिम्फ में क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो जब भी इन्फेक्शन होगा तो WBC जो है लिम्फ नोड्स की, वो फाइट करेगी कोई भी पैथोजन या एंटीजन होगा, तो WBC नंबर इंक्रीज होगा। और WBC जब नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि हम जब भी टॉन्सिल हो जाते हैं, टॉन्सिल क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स हमारे थ्रोट में प्रेजेंट हैं, दे गेट इन्फेक्टेड। अगर कोई भी हमारी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है या बैक्टीरिया एंटर हुआ है तो सबसे पहले फाइट करते हैं, अगर फूड के साथ ही एंटर हुआ।
तो जो टॉन्सिल एंड में जो लिम्फ नोड्स हैं ये रिलीज करते हैं लिम्फोसाइट्स, और एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस हो गया, क्लियर। तो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, दे शो ऑल्सो इम्यूनो रिस्पॉन्स। अगर हम दोनों में देखें कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, तो वो देख लेते हैं कि जो ब्लड है वो रेड कलर्ड फ्लूइड होता है, लिम्फ कैसा है, ट्रांसलूसेंट कलरलेस फ्लूइड। एक टेबल के थ्रू हम ये डिफरेंसेस देखते हैं। सी फर्स्ट डिफरेंस इज ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड एंड लिम्फ इज जनरली कलरलेस। सेकेंड डिफरेंस इज ब्लड इज हैविंग RBCs and platelets and no RBCs and no platelets. WBC number जो है इसमें comparatively less होता है, और lymph में WBC जो number है वो higher होता है। मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन यानी प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं फिब्रिनोजन और एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन होती हैं, हम तो हम ये कहेंगे कि मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ हैज लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। न्यूट्रिशन जो सब्सटेंस और ऑक्सीजन किस में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली ब्लड में। तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हायर इन ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कंपेरेटिवली लेसर इन लिम्फ। इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, बट लिम्फ इज एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड यानी ब्लड को ही फिल्टर करके ये फॉर्म हुआ है। अगर देखेंगे लिम्फ कहाँ से फॉर्म हुआ, फ्रॉम ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड, क्लियर। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। और लिम्फ जो होता है वो सिस्टम बनाता है किसके साथ मिलके, लिम्फ प्लस लिम्फ वैसल एंड लिम्फ नोड्स, क्या लिम्फेटिक सिस्टम, क्लियर। नाउ वी विल मूव टू सम हार्ट डिसऑर्डर, सम कार्डियक डिजीज। फर्स्ट हार्ट डिजीज इज हाई ब्लड प्रेशर। देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। mmHg का मीनिंग है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर। यहाँ पर नॉर्मल अगर हम देखें कि ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर होता है 120 एट द टाइम ऑफ सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ब्लड कितना मेजर किया है, नॉर्मल प्रेशर होता है 120 mmHg। एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन यानी डायस्टोलिक 80 mmHg, ये तो है नॉर्मल वैल्यू। बट अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाए यानी 120 ना हो कि 140 हो जाए, और 80 जो डायस्टोलिक है रिलैक्सेशन के टाइम पर भी कितना हो ब्लड प्रेशर 90 mmHg, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। अब हाई बीपी होने से क्या होगा कि इट आल्सो अफेक्ट किडनी। जितनी फास्ट इसमें ब्लड आ रहा है हार्ट में, उतनी ही फास्ट ऑर्गन तक भी जाएगा, तो किडनी में भी एकदम से जाएगा, तो किडनी फेल होने के भी चांसेस होते हैं। अगर ब्रेन तक इतनी फास्ट ब्लड पहुंचेगा तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर आल्सो अफेक्ट किडनी, ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। सो हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, क्लियर। नाउ सेकेंड डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखिए कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी दैट सप्लाई प्योर ब्लड टू हार्ट मसल। जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी को कहेंगे कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी जो आर्टरी है अगर उसमें किसका डिपोजिशन हो जाए,
fats, cholesterol, calcium या फिर fibrous tissue. अगर ये डिपॉजिट हो जाए आर्टरी के इस तरह से यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, तो आर्टरीज के अगर वॉल में ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो ल्यूमेन कैसा हो जाएगा, नैरो. और कोई भी अगर हम देखेंगे, अगर कोई भी जैसे पाथ नैरो होता है, सपोज़ जैसे वाटर पाइप है, अगर आप उसको थोड़ा श्रिंक करते हो तो एकदम से जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है पानी का. यानी पहले अगर आप उसे नॉर्मली पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मल फ्लो से वाटर फ्लो करता है, बट जैसे ही आप पाइप को थोड़ा श्रिंक करते हो तो क्या हो जाता है, उसका वाटर का प्रेशर हाई हो जाता है. तो सेम यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो ल्यूमेन है ये नैरो हो गया है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड फाइब्रस टिश्यू. तो इससे क्या होगा, बीपी हाई हो जाता है. यानी ये कोरोनरी आर्टरी में इसकी वजह से ल्यूमेन नैरो हो गया, बीपी हाई हो गया. कॉज क्या है, क्यों ये डिपॉजिट हो जाता है, लैकिंग ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, कंजप्शन ऑफ ऑयली फूड, फैट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स. तो क्या होगा कि अगर एक्सरसाइज फिजिकल वर्क उतना नहीं होगा बट वेट ज़्यादा हो रहा है और हम ऑयली और फैटी जो हम थिंग्स का प्रोडक्ट्स का ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं तो ये डिपोजिशन होने लग जाता है. तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिलेटेड टू द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल. नेक्स्ट डिजीज इज एंजिना. ठीक है, एंजाइना और एंजिना, इसके क्या सिम्टम है, एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स. एक्यूट मीन्स हो गया टेम्पररी, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम. चेस्ट पेन होता है, कॉज क्या होता है, व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाई टू हार्ट. तो चेस्ट पेन होने लग जाता है. ये मैन एंड वुमेन दोनों में ही अपीयर हो सकता है एट एनी एज, और बट मोस्टली सीन इन मिडिल एज एंड एल्डर पीपल. कई बार देखा है कि अगर ब्लड फ्लो भी उसमें भी कोई इंटरप्शन आ जाता है तो भी चेस्ट पेन अपीयर होता है. ठीक है, तो एंजिना इज रिलेटेड टू चेस्ट पेन when no enough oxygen is supplied to heart. Neck disease is heart failure. Heart failure means when heart is not pumping effectively, it is not as cardiac arrest, it is slightly different and it is not heart attack. देखिए cardiac arrest में क्या होता है कि when हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट बीट कब होती है, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं और सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होता है. यानी हार्ट बीट तो जब स्टॉप हो जाए तो उसे हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट. और हार्ट अटैक क्या होता है, जो हार्ट मसल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाए, हार्ट मसल्स डैमेज. तो ये तो स्लाइटली डिफरेंट है हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में हार्ट उतनी तरह से पंपिंग नहीं करता जितने बॉडी पार्ट्स को हम कहेंगे कि नीड है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट. क्लियर, तो हार्ट फेलियर मीन्स व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली. नेक डिजीज इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन. मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नोन एज हार्ट अटैक, कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक. देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है कि जब हार्ट में ब्लड का फ्लो है वो या तो स्लो हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए. ब्लड फ्लो अगर स्लो या स्टॉप हो गया तो हार्ट मसल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाती है. हार्ट मसल इज डैमेज्ड. तो हार्ट मसल डैमेज हो गई, यानी कहाँ पर प्रेजेंट होती है हार्ट मसल, हार्ट के किस लेयर में प्रेजेंट होती है, मायोकार्डियम में. क्यों, मायो वर्ड मीन्स होता है मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट. तो मायोकार्डियम में ये मसल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे कहते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो इसके सिम्टम क्या है कि डिसकम्फर्ट होता है,
chest pain and shoulder, जो left shoulder है उसमें vibration start होता है, pain होने लग जाता है। तो heart attack जब भी किसी person को आने वाला होता है तो उसका left shoulder, left arm, hand इसमें vibration होने लग जाता है, यानी left side जो है पूरा heart से लेके hand तक एंड शोल्डर तक उसमें पेन और वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। इट मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज इनिशिएटेड, क्लियर। और जॉज में भी, यानी लेफ्ट जो जॉ है उसमें भी वाइब्रेशन और पेन होने लग जाता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन इज वॉल्वुलर डिजीज। वॉल्वुलर डिजीज में नेम से ही पता लग रहा है इसमें किसमें डिफेक्ट आ जाता है, वॉल में। हार्ट हैज़ फोर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, आयोटा में वॉल्व होता है दैट इज आयोटिक वॉल्व और सेमी ल्यूनर वॉल्व, एंड पल्मोनरी वेन इज हैविंग सेमी ल्यूनर वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। तो अगर इन चारों में से किसी एक में भी डिफेक्ट आ जाए, यानी डैमेज हो जाए, तो क्या होगा? सपोज ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में इन्फेक्शन हुआ, तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड किसको सेपरेट करता है? राइट एरिका एंड राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। और बाइकस्पिड किसको करता है? लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कॉल्ड वॉल्वुलर डिजीज। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मिक्सिंग होगी तो ये डिजीज़ होगी, तो इसमें सर्जरी ही करनी पड़ती है जिससे इन वॉल को रिपेयर करते हैं या फिर कोई अल्टरनेट ऑप्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज पेरिकार्डियाटिस, इन्फेक्शन इन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मीन्स जो लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं, जो हार्ट में नहीं, हार्ट की जो लेयर्स की भी सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जिसमें पेराइटल और विसरल मेम्ब्रेन होती हैं, और जो कैविटी बनाती हैं जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। फर्स्ट जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियटिस। स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होगा? इसमें भी चेस्ट पेन होता है, इसमें एकदम से जो हम कहेंगे कि शार्प चेस्ट पेन होता है, क्लियर। नेक डिजीज इज ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज। इन दिस डिजीज SAN, साइनो एट्रिकुलर नोड, डजंट सेंड सिग्नल टू फर्दर नोट्स AVN, बंडल ऑफ इस, यानी SAN क्या करता है? इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं उनको इनिशिएट करते हैं। अगर SAN वर्क नहीं करेगा तो ये भी वर्क नहीं करेंगे, और SAN इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अगर SAN में कोई इन्फेक्शन आ जाता है या SAN फेल हो जाता है, उसकी वर्किंग फेल हो जाती है, तो एक आर्टिफिशियल पेस मेकर इज इंसर्टेड इन द हार्ट, तो उसे हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। यानी एक एबनॉर्मल हम कहेंगे कि हार्ट रिदम होती है, व्हेन इससे क्या होगा, हार्ट बीट्स टू स्लोली, जितना नॉर्मली करता था वो, उससे उसका बहुत ही स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा तो वेंट्रिकल में भी फ्लो उतना ही स्लो होगा, फिर वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में भी सर्कुलेशन स्लो होगा, इट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि अगर कोरोनरी जो आर्टरी है दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट, हार्ट मसल और हार्ट, अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लड क्लोट हो जाए, इस तरह से कोई ब्लड, यानी ब्लड इसके अंदर क्लोट हो जाए, ठीक है,
कोई ब्लड की इसमें ब्लड फ्लो करता है, अगर इसमें ब्लड क्लोटिंग होगी तो ये जो ब्लड है ये मूव नहीं करेगा, तो इसे हम कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग। तो इससे करने के लिए ऐसे कई मेडिसिन देते हैं जो इस क्या करेगी, इस ब्लड क्लोट को डिजॉल्व करेगी। आजकल ऐसी सर्जरी भी है कि इंस्टेंट इस ब्लड क्लोट को रिमूव करते हैं या फिर इसे डिजॉल्व करते हैं। एकदम से नहीं करेंगे, अगर एकदम से करा, इसको एकदम से अगर रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा कि सीधा ही ब्लड क्या होगा, हार्ट में हाई प्रेशर से जाएगा, और हाई प्रेशर से जाएगा तो हार्ट मसल भी डैमेज हो जाती है। तो इस ब्लड क्लोट को बिल्कुल हम कहेंगे कि ग्रेजुअली रिमूव कर दें, ठीक है, थ्रू द इंजेक्शन या फिर मेडिसिन जो थ्रोम्बोसिस को रिमूव करे। तो ये था यहाँ पर कोरोनरी लास्ट जो डिजीज़ है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। जितनी भी हार्ट डिजीज़ पड़ी है, इन सब से प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, हेल्दी डाइट, अवॉइड ऑयली फूड एंड एक्सरसाइज, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगी। तो यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।